बिहार के तीन जिले सारण, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़कर 39 हो गया है। अब तक जहरीली शराब से छपरा में 28, सिवान में 10 और गोपालगंज में 1 की जान गई है। शराबबंदी के फेल होने को लेकर पक्ष और विपक्ष में अब जुबानी जंग हो रही है। जहरीली शराब से मौत के बाद सरकार एक्शन में है और सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करके अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जहरीली शराब से मौत की जांच के लिए 2 SIT बनाई गई है। इधर गोपालगंज में अवैध शराब के कारोबारियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 140 जगहों पर रेड करके 5000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की। यूपी के बलिया में बिहार पुलिस का एक SI पुलिस की स्टिकर लगी गाड़ी से शराब की तस्करी करता हुआ पकड़ा गया। बिहार में जहरीली शराब से बढ़ा मौत का आंकड़ा। सारण, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब से हाहाकार। सवालों के घेरे में शराबबंदी, एक्शन में नीतीश सरकार। बिहार के तीन जिले छपरा, सिवान और गोपालगंज में इन दिनों जहरीली शराब से हो रही मौत से हाहाकार मचा है। पीड़ितों के घर पर मातम पसरा है। मारे गए लोगों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। जहरीली शराब से अब तक इन जिलों में 39 मौत हो चुकी हैं, जिनमें सिवान में 28 और छपरा में 10 मौत शामिल हैं। गोपालगंज में भी एक शख्स की जहरीली शराब पीने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं जहरीली शराब की चपेट में आकर कई लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। 3 दर्जन से अधिक मौत के बाद एक्शन में आई पुलिस प्रशासन ने अब तक अवैध शराब बनाने और बेचने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। 140 जगहों पर छापेमारी कर 5000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की गई है। एक तरफ ग्राउंड पर प्रशासन का एक्शन जारी है तो सारण, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद शराबबंदी विभाग नए सिरे से शराबबंदी की लीकेज ढूंढने में जुट गया है। राज्य में अवैध शराब या स्पिरिट के आने के रूट को तलाशा जा रहा है। इसके लिए सीमावर्ती जिलों के चेक पोस्ट पर चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, बिहार की सीमा से गुजरकर दूसरे राज्यों तक जाने वाली शराब से लदी गाड़ियों की निगरानी सख्त कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से हुई मौत की जांच के लिए SIT का गठन किया है। वहीं एक SIT छपरा और सिवान में हुई मौत की जांच कर रही है। एक तरफ बिहार में शराबबंदी के बीच अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसी जा रही है तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस का दारोगा यूपी के बलिया में शराब की अवैध तस्करी करते पकड़ा गया है। बिहार नंबर की इसी कार से अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस का स्टिकर लगी गाड़ी में रवि किशन नाम का ये शख्स अवैध शराब के साथ बॉर्डर पार करने की फिराक में था, लेकिन यूपी से बिहार ले जाने के क्रम में बिहार पुलिस के इस SI के मंसूबों पर यूपी पुलिस ने पानी फेर दिया। बलिया में कोतवाली पुलिस के द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। ये शराब रवि किशन नाम के व्यक्ति से बरामद की गई है, जो बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। इस संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।